मूवी के स्टार्ट होते ही हम 16 साल के लौंडे मार्क को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। फिर वो एक लड़की के पास आता है और उसकी टांगे खोलता है, लेकिन वो लड़की उसे मज़ा नहीं देती और उसके खड़े औजार को धोखा मिलता है। फिर मार्क अपने घर निकल जाता है। घर जाकर वो लैपटॉप ऑन करता है और मियाँ खलीफा को देखता है। इसके बाद वो अपनी हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करके सो जाता है। अगली सुबह उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती है। वो उसे कहती है, आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क के अंकल और जीना यहाँ पर आ चुके हैं। जीना अभी रसिया से आई हुई थी। जब वो सभी लोगों को खाना सर्व कर रही थी तब मार्क उसके दोनों लटके हुए आम देख रहा था। इसके कुछ टाइम बाद मार्क अपनी सिस्टर से बात करता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे बताती है जीना की ड्रेस की वजह से सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी उनकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो इन लोगों से कहती है, ये रसिया का फैशन है और हम लोगों को उसे उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जीना की एक शादी पहले भी हो चुकी थी जिससे उसे एक बेटी है। उसकी बेटी का नाम नताशा है। नताशा भी रसिया से आ रही थी, इसलिए उसकी मॉम उसे लेने के लिए जाती है। फैमिली के सभी लोग उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, जहाँ पर मार्क पहली बार नताशा को देखता है जिसकी उम्र 14 साल थी। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। इसके बाद एक पार्टी होती है और सभी लोग उस पार्टी में बहुत खुश थे, लेकिन इस पार्टी में नताशा बोर हो रही थी। तभी मार्क की मॉम मार्क से कहती है, हमारे बीच में नताशा बोर हो रही है, इसलिए वो मार्क को उसे अपना घर दिखाने के लिए बोलती है। इसके बाद मार्क नताशा को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। फिर वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। नताशा मार्क से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो? मार्क उसे बोलता है, मैं ज़्यादातर अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा उससे पूछती है, क्या तुमने कभी किसी भी लड़की के साथ यहाँ पर संभोग किया है? ये सुनकर मार्क शॉक हो जाता है। वो नताशा से बोलता है, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? नताशा उससे कहती है, मैं बहुत सारे आदमियों के साथ ऐसा कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकती हूँ। जिसे सुनकर मार्क कहता है, मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है जिसकी वजह से हम दोनों कज़न हुए। ये सुनकर नताशा बोलती है, मैं अपनी मॉम से बहुत ही नफरत करती हूँ और उनका काफ़ी सारे मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर मार्क चुप हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क की मॉम उसे बोलती है, नताशा पहली बार यहाँ पर आई है और तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा, तुम्हें उसके साथ समय बिताना होगा क्योंकि अभी यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है। मार्क अपनी मॉम की बातों को सुन रहा था, लेकिन सिर्फ मार्क ही जानता था नताशा आखिर कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है, जहाँ पर जीना उसे मिलती है। वो उसे कहती है, नताशा को अकेले रहना पसंद है और वो कभी तुमसे नाराज भी हो जाए और गुस्सा करे तो तुम प्लीज़ बुरा मत मानना। इसके बाद वो नताशा को बुलाती है, लेकिन उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। उसकी वजह से नताशा बहुत गुस्से में थी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर मार्क उससे पूछता है, आखिर बात क्या है? नताशा उससे बोलती है, वो अपनी मॉम की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मेरी मॉम जब से यहाँ पर मुझे लेकर आई तब से मेरी लाइफ बहुत ही बोर हो चुकी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफर से मिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर नताशा मार्क से रूफर के बारे में पूछती है। मार्क उसे बताता है, रूफर के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो यहाँ पर अकेला रहता है। इसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं। जाते हुए नताशा उसे बोलती है, कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन मार्क जब पढ़ रहा होता है तब नताशा उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, फिर साइकिल से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलता है। नताशा को यहाँ पर पता चलता है मार्क अपने दोस्तों के साथ सुट्टा फूंकता है। उसे ऐसा करते हुए नताशा देख लेती है। वो मार्क से पूछती है, क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ? अगले दिन जब नताशा मार्क के घर पर आती है तब मार्क उसे स्मोक करने के लिए देता है। इसके बाद वो मार्क से उसका लैपटॉप मांगती है। वो जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है वहाँ पर उसे मियाँ खलीफा टांगे खुलकर बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि मार्क ने उस दिन देखकर ऐसे ही छोड़ दिया था। ये देखकर नताशा खुश हो जाती है। फिर वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे बोलती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद वो मार्क को अपनी नंगी फोटोज दिखाने लगती है और वो उसे कहती है वो भी इस तरह की वीडियोज बनाती है। यहाँ पर वो मार्क के औजार को खड़ा करने की कोशिश करती है, फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर क्या था, मार्क भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये दोनों साथ में मिलकर वीडियोस देखने लगते हैं और नताशा उसे बताती है वो 12 साल की उम्र से ही ये सब करने लगी थी और वो ऐसा पैसों के लिए करती है जिसके बारे में उसकी मॉम को पता चल गया था और उसकी मॉम उसके सारे पैसे लेना चाहती थी और यही वजह थी कि वो अपनी मॉम से नफरत करती है। इसके बाद ये रोज मिलते थे और साथ मिलकर गपा गप करते थे। अब मार्क को नताशा से प्यार होने लगा था। वो उसे घुमाने के लिए बहुत सारी जगहों पर लेकर जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा को मार्क के घर पर ही रुकना पड़ता है। रात में ये लोग चैटिंग करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय बोलकर सो जाते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद नताशा मार्क के कमरे में आ जाती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर ये दोनों लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। फिर यहाँ पर नताशा मार्क को बताती है उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और वो मार्क से कहती है
वो यहाँ पर सारी ज़िंदगी रहना चाहती है। मार्क उसे कहता है ये तुम्हारा ही घर है। नताशा उससे कहती है मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है, अभी भी उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझते हैं। कुछ दिनों के बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आते हैं। वो लोग नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। वो उन्हें कहती है वो यहीं पर रहना चाहती है। तभी उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है और उसे बोलती है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो और मुझे ये भी पता है तुम मार्क के साथ आखिर क्या करती हो। इस बात को सुनकर नताशा बहुत गुस्से में आ जाती है और वो जीना से लड़ाई करना शुरू कर देती है। मार्क के डैड उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। इसके बाद नताशा की मॉम उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है। अगले दिन नताशा से मिलने के लिए मार्क उसके घर पर आता है। यहाँ पर आकर वो जीना से सॉरी कहता है। जीना उसे बोलती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर वो नताशा को भला बुरा बोलती है और कहती है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की है, उसके काफी बड़े बड़े मर्दों के साथ अफेयर रह चुके हैं, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। ये कहकर वो मार्क को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो मार्क को नताशा से मिलने नहीं देती। इसके बाद उसी रात में नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है वो फ्लोरिडा जा रही है, क्या वो भी उसके साथ आना चाहेगा। इसके बाद वो उसे बताती है मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता खराब हो सके, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। अगली सुबह मार्क अपने कुछ बचाए हुए पैसे उसे देता है जिससे उसकी थोड़ी हेल्प हो सके। इसके बाद नताशा अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं मार्क की फैमिली वाले सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थे। मार्क के अंकल ने अपनी शादी इतनी जल्दी क्यों तोड़ दी, क्योंकि मार्क के अलावा इसका रीजन किसी को भी पता नहीं। मार्क अपनी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हम देखते हैं मार्क का दोस्त रूफर मार्क को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मार्क उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ दिनों के बाद मार्क जब रूफर के घर जाता है तब वो नताशा को यहाँ पर देखता है। रूफर उसे बोलता है मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तुम मेरा कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे। नताशा यहाँ मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ पर नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देख रही होती है। इसके बाद मार्क भी उसे गुस्सा दिखाता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था क्योंकि मार्क उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।